प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर बिको। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे एक्स मुस्लिम साहिल और भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाज़िया जी, एक सवाल है कि ये जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, इनको मतलब कहाँ किसका सपोर्ट होता है और लोग इनको इस ऊपर की सीट तक पहुंचा कैसे देते, कौन सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को, कौन देता है इनको इतना आसरा? देखिए साहिल, नाज़िया क्योंकि नंगा नाच नहीं करती है, इसलिए मेरे फॉलोअर्स कम हो सकते हैं। अभी आप नुसरत रोही जहान जैन के फॉलोअर्स देखिएगा, मिलियन में जाएंगे। तो इनको उत्साह वहां से आती है नंगा नाच करने की। एक तो भारत की सभ्यता संस्कार को खत्म करने का पूरा पूरा बीड़ा ऐसी औरतों ने, ऐसी महिलाओं ने उठा करके रखा है। दूसरी चीज है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी मुसलमान यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो किसी भी तरीके से ये स्ट्रैटेजी सेट की गई है कि अगर हिंदू क्योंकि सनातनी क्या होते, क्योंकि मैं उनके भीड़ में बहुत रहती हूँ और बचपन मैंने मुसलमानों की भीड़ में गुजारा है, तो सनातनी क्या होते हैं कि वो अपने घर की महिलाओं को लेकर के बहुत भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। और सेम चीज आप देखिएगा पंजाबियों में, पंजाबी भी जो टर्बन लगाते हैं वो अपने घर की माँ बहनों को लेकर के बहुत भावुक होते हैं। अब इसके बाद एक और कास्ट है सनातनी में, ठाकुर, वो लोग भी माँ बहनों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अपने घर की बहुत भावुक होते हैं। तो इसलिए जानबूझ करके उनकी माँ बहनों को टारगेट किया गया, ताकि ये लोग यहाँ से निकल जाएं और रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी जो है वो यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट हो जाए और इनके वोट से, इनके घुसपैठिया के फेक वोट से कंटिन्यूसली ममता सरकार बनी रहे, टिकी रहे। अब अगर ये कहना चाहोगे कि भाई काम तो कुछ होता नहीं है, फिर पब्लिक वोट क्यों करेगी, तो एक्चुअली में मुसलमानों को किसी काम की जरूरत नहीं है। तीन वक्त का खाना मिल जाए, आधी चड्डी में नाच मिल जाए और उसके बाद फिर किसी को धर पकड़ करके रेप कर ही देंगे, तो इनका इनकी जरूरतें तो पूरी हो ही जाती है। मुसलमान को तुम शिक्षा सिखाओगे, मुसलमान को तुम सभ्यता सिखाओगे, मुसलमान को तुम सोचोगे कि वो बहुत सभ्यता वाला इंसान बन जाए, तो वो सबसे पहले तुमको और मुझे गाली देगा, सबसे पहले देगा। मुसलमान को तुम पंचर लगाने बोलोगे, मुसलमान को तुम गालियां देने बोलोगे, मुसलमान को तुम रेड़ी लगाने के लिए बोलोगे, मुसलमान को तुम गंदी गंदी अभद्र भाषा यूज करने के लिए बोलोगे, मुसलमान को तुम मदरसे में जाकर के मौलाना साहब से अनल सेक्स कराने के लिए बोलोगे, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या काम दिया गया है मुझे। लेकिन IAS IPS बनने की बात तो छोड़ो, टीचर और इंजीनियर भी बनने के लिए इनके दिमाग में कभी भी ये बातें नहीं आती हैं। जो मुसलमान लड़के, जो मैं अपनी आंखों से देखती हुई आई हूँ, जींस पैंट पहन करके रात में सो जाता है भाई, और 2 बजे दोपहर में गली में नुक्कड़ में खड़ा होकर के ब्रश करता रहता है। ये है मुसलमान युवा, ये है मुसलमान युवा। तो इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? इनको प्रोवोकेशन मिलता है, कोई ना कोई एक ऐसी सरकार होती है जो इनको प्रोवोक करती है कि तुम जिहादी हो और जिहादी ही बने रहो, तुम बलात्कारी हो और तुम बलात्कारी ही बने रहो, क्योंकि जाहिल मुसलमान जब तक यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है तब तक ममता जी की सरकार है। अच्छा नाज़िया जी, यहाँ पे आपका एक ये शॉर्ट्स काफी वायरल हुआ था, जो अभी आपने IAS IPS वाला बोला है, तो वो मैं चलाना चाहता हूँ। चलाइए चलाइए। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं महाराष्ट्र मंच पे खड़े हो करके किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरफ पड़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है, अरे होगा कहाँ से, मदरसे में अनल सेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, साथ साथ शादियां और लौंडियां और बालियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो, तो ये पढ़ेंगे कब, ये पढ़ेंगे कब, ये तो 72 वर्जिन हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे। अवैसी देखिए एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का, जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी।
यार नाजिया जी, थोड़ा भी आप ऐसा बोलने से पहले थोड़ा भी सोचती नहीं है क्या? इतना बिंदास कौन बोलता है यार? नहीं मैं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। और उर्दू में जब हम खुदा लिखते हैं ना, तो नुक्ता ऊपर रहता है तो खुदा हो जाता है, और नुक्ता नीचे रहता है तो जुदा हो जाता है। आहा। तो एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक मेरी मेरी सांस चल रही है, मैं सच का पर्दा उठाते रहूंगी, मैं सच बोलती रहूंगी। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि अल्लाह का वो कौन बंदा है जो अल्लाह का अशरफुल मखलूकात नहीं, अल्लाह का स्लीपर सेल बन करके मेरा बलात्कार करेगा और मेरा गला काटेगा। और ये बात उसी दिन तय हो जाएगी कि अल्लाह ने मोमिन और मोमिनात को जन्म दिया है या अल्लाह ने स्लीपर सेल इस भारत में धरती पर भेजा है। वाह 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 यार, एक गुलाब भेजिए, शेरनी है शेरनी एकदम। नाजिया जी बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखती है यार, इतना इतना यानी इतना बेबाकी से बात करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, किसी महिला को इतना बेबाक से बात करते हुए नहीं देखा जिस तरीके से नाजिया जी बात करती है। तो ये देखिए हमारे जितने व्यूअर्स है वो सब आपके लिए गुलाब नहीं बल्कि गुलाब का दस्ता भेज रहे, गुलदस्ता भेज रहे। देखिए साहिल, ऐसा है ना कि बचपन से मैं अपनी आंखों से अपनी कम्युनिटी की बच्चियों को ना खून के आंसू होते हुए देखी, मैंने उनको कलपते हुए देखा है। अभी 15 या 18 दिन पहले मैं एक न्यूज डिबेट में थी और उसका टॉपिक ये था कि एक बच्ची हैदराबाद की है जिसने अपनी अम्मी को चिट्ठी लिखी है कि मुबारक हो अम्मी, मैं 18वें शौहर की बीवी बन गई। और लिटरली लिटरली मैं रोई हूँ उस नेशनल डिबेट पर, मैं रोई हूँ। केरला की लड़की है क्या ये? क्या हैदराबाद की लड़की? हैदराबाद। अच्छा ओके। और जब मैं संदेश खाली की महिलाओं से मिल करके आई थी तो मैं एक रात पूरी सो नहीं पाई थी, मैंने जगे जगे, मैंने सुबह के 5-5:30 बजाए और मैं कंटिन्यूअसली रो रही थी। मैंने अपनी अपने कौम की बच्चियों को ना कलपते हुए और कांपते हुए देखा है। और अगर इस सिनेरियो में अगर मैं नहीं उठती तो शायद ये कंटिन्यू चलता रहता। जितने नेशनल डिबेट पर मैं बैठती हूँ सारे मौलाना दाढ़ी वाले क्या बोलते हैं, नहीं चाइल्ड मैरिज बंद नहीं होगा। मतलब वो क्या हो यार, शिट हो तुम लोग गू हो, इसके अलावा तुम लोग और कुछ भी नहीं हो। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। भाई प्लीज खुदा की कसम, तुम हम लड़कियों का सलवार झांकना बंद कर दो। कब हमारा सलवार लाल हो रहा है और कब हमें पीरियड्स हो रहा है और कब किसी के बिस्तर पे हमें ढकेल देना है एक फैब्रिकेट निकाह के नाम पर, ये बंद कर दो। निकाह मसियार है, सफर की निकाह है। मतलब जैसे वैरायटीज ऑफ चीजें होती है ना खाने की, हम मॉल जाते हैं वैरायटीज ऑफ कपड़े देखते हैं बड़े खुश होते हैं, वैसे ही इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। और इसका शिकार कौन बन रही है? लड़कियां, और तो कोई नहीं बन रहा है। अगर 10 साल अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग है, लड़कियों का पीरियड्स जो है वो 10 साल में 11 साल में आ जाता है। 10 साल की बच्ची की शादी क्या 12 साल के लड़के से करवा रहा है कोई? नहीं, 10 साल की बच्ची की शादी कम से कम भी तो 25 साल के लड़के से करवाई जा रही है आराम मतलब से 25-27 है ना करवाई जा रही है। मतलब कितने नीच हो, कितने गिरे हुए हो, कितने घटिया बेहुदा लफंगा आवारा टाइप के मर्द हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है? 10 साल की बच्ची बच्ची नहीं दिखाई देती है? मतलब अश्लीलता की इतनी हदें इन लोगों ने पार कर दी है कि नेशनल न्यूज पर आकर के चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट चेंज नहीं होगा, इनको 10 साल की बच्ची ही चाहिए बेड पर, शर्म नहीं आती। और बैरिस्टर पढ़ा हुआ आवेसी, वो भी बाहर देश से, वहां से पढ़ करके आकर के यहाँ पर शिक्षा का पैगाम भेजता, महिलाओं को कहता के पंख लगा करके उड़ो, महिलाओं के फ्रीडम के बारे में बात करता, महिलाओं के डेवलपमेंट के बारे में बात करता, तो आकर के फिर से वही राग अलाप रहा है कि नहीं निकाह मसियार होना चाहिए, निकाह मुत्ता होना चाहिए। और 10 साल की बच्ची का सलवार अवेसी बहुत जबरदस्त झांकता है कि पीरियड्स हुआ कि नहीं हुआ, अरे देखो 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 इसको पीरियड्स हो गया, इसका सलवार तो लाल हो गया, अब इसको भेजो किसी के बिस्तर पर। तो ये बंद करना बहुत जरूरी था। मैंने अपने चैम्बर में साहिल जी लड़कियों को रोते हुए देखा है,
शरीर खत्म हो चुका है, शरीर में जान नहीं है, चेहरे का नूर खत्म हो चुका है। बच्चे तो पैदा करने हैं क्योंकि बच्चे अल्लाह की नूर है, बच्चे अल्लाह का तोहफा है। ये कौन सा एजेंडा चला रहे हो? बेचारी का शरीर देख लो, वो मर रही है बेचारी, वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारा क्या जाएगा? वो मर जाएगी, उस एक पिता और एक माता रोएंगे, और तुम तो फिर से शादी कर करके ले आओगे अपने सेक्स, अपना सेक्स टॉय। और जो बच्चे वो पैदा कर करके मर रही है, वो बच्चे अनाथ होंगे, क्योंकि मर तो छोड़ी भी बीवी या मरी भी बीवी के बच्चों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है मुसलमान मर्द। तो किसी को तो आवाज उठानी थी ना, किसी को तो सामने आना था ना। तो इसलिए मैंने झिझक और जितना डर था सबको एक पोटले में बांध करके गंगा में फेंक दिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और एक्स मुस्लिम साहिल की बातें और खासकर नाज़िया अली खान जी के पर्सनल व्यूज जान के आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ शांति दूतों बल्कि जो मजहब के ठेकेदार हैं इनको भी जम के धोया और इनकी लुंगी खोल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।